और भाई इनके पास ना दो बच्चे बड़े हैं और दो छोटे, मुझे लगता है दो अंडे पहले निकले थे दो बाद में। नीचे देखो जिधर तक कोको की हाइट है, ये कोको ने क्या किया, कुटिया लगा रहे। सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ओए अबे तू क्यों मस्त रहा है, जग्गू कोई जोक शोक सुना दिया भाई। जग्गू का दिल कर रहा है कि मैं खिलाड़े में जाके रखूं। ये देखो भाई सारे खिलाड़े में चाहिए हैं। ये शॉपर किधर से आया जग्गू? मेरा दिल ऐसे थी शॉपर में डालूं और तू ये बाइट प्लान में फेंक दूं। वो देख रहा है इतनी गराई पे है। दिल तो बेटा ऐसे ही है भाई, बड़ा चलाक हो गया यार ये। एक तो हमारे दरवाजे खोल लेता है और बाइट चीजें फेंक देता है, खुद ही खोला पता नहीं क्या क्या अंदर करता रहा है भाई। अभी भी तेरा हाथ उधर ही जा रहा है, अभी भी मुंह उधर ही है कि मैं खोलूं सही सारा कुछ। तो भाई एक भाई का कमेंट आया था कि यार आपका व्लॉग लेट आया है। भाई हमारा ना व्लॉग बनाने से दिल ही उठ गया भाई। एक तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते भाई, जो जो लोग देखते हैं थैंक यू सो मच, जो डेली देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो डेली देखते हैं, बट एक है कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा व्लॉग पहले देखते थे अब देखना छोड़ दिया उन्होंने। देखो ये क्या वजह बनी है बता मुझे जरा, कहीं ऐसा तो नहीं जग्गू ने एक अलहदा चैनल बनाया और मुझे बताया नहीं सारी ऑडियंस उधर चली गई है। जग्गू भाई मुझे तो ऐसे ही लगता है कि भाई जग्गू बदमाश ने अपना चैनल बनाया हुआ, सारी माम उधर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। खैर भाई हमारे सब्सक्राइबर ना 4000 है और हमें व्यूज आ रहे हैं 800-900। भाई सुबह उठ के व्लॉग बनाने का तो अब दिल ही नहीं करता क्योंकि इतने थोड़े व्यूज, 4000 सब्सक्राइबर और हमें व्लॉगिंग करते हुए 6 महीने हो गया डेली एक व्लॉग बनाते हुए। क्यों जग्गू? जग्गू भी बता रहा है इतनी मेहनत कर रहा है कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। ओए रो के दिखा पागल, रो के दिखा जग्गू, इस रोना नहीं आता। देखो रो जग्गू, तुझे एक्टिंग नहीं करनी आती यार। एक तो सभी आज आप लोगों ने सिर्फ एक कमेंट करना है, किसी भी कोई भी पेट के बारे में कोई कमेंट नहीं आना चाहिए, मुझे सिर्फ एक कमेंट चाहिए कि भाई मेरी गलती किस जगह पे हो रही है, मेरे व्लॉग में ऐसी क्या चीज है जो आप लोगों को नहीं पसंद, मैं उसको इंप्रूव करूंगा। और भाई ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट में आओ नहीं भाई अच्छे व्लॉग हैं, नहीं भाई अच्छे व्लॉग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा करोगे तो फिर मैं और डीमोटिवेट होऊंगा कि भाई मेरे में कोई कमी नहीं, फिर क्यों नहीं दोगे देख। भाई अगर आप लोग मुझे मेरी एक गलती बताओगे और जग्गू की सारी गलतियां बताओगे, जग्गू वैसे है ही सारा गलत है ना, सारी गलती जग्गू की है, जग्गू सारी गलती तेरी है भाई। अगर आप लोग हमें हमारे व्लॉग में हमारी गलतियां बताओगे ना, हम उसे इंप्रूव करेंगे। तो भाई लाजमी मेरा चैनल विजिट करो, मेरे सारे व्लॉग देखो, कोई भी गलती है तो लाजमी बताओ। खैर भाई इधर जो है हम अपना व्लॉग करते हैं शुरू, स्टार्ट। सबसे पहले तो बेटा जो तूने खिलाड़े में चाहिए ना ये साफ कर, ये शर्ट उठा और अंदर रख भाई। शॉपर ये क्या क्या, ये जग्गू बाज नहीं आ सकता। अरे भाई का सीन ये कि हम लोग जो है ना राजू की डायल लेने निकलने लगे हैं। और भाई अली चले फिर यार, मुझे तो 3 दिन हो गए, मैं तो ये कह रहा हूँ चल चले डायल लेने। दरअसल ना मैं ही दिला पड़ता था यार, 3 दिन से डाइट खत्म हुई है, पहली दफा इस तरह हुआ कि इतनी लेट हम उसके डायल लेने जा रहे हैं। राजू बेचारा मुर्गियों की डाइट खा खा के, मुर्गियों की खा खा के, और अली ये सारा घास उसने खत्म किया। चलो चलो भाई अभी जो हम लोग शॉप के ऊपर आ चुके हैं, इधर जो है ना हम लोग चीजें करवा रहे हैं भाई। एक तो हमने ये चने करवा लिए, दूसरा हम लोगों ने भाई ये करवाया 5 किलो भाई, उसके अलावा ना ये कुछ चने करवा रहे हैं, चनों के छिलके भी ये तैयार होते हैं तो जाके लाके पेट में डालते हैं। सारे सारे मजदूर मजदूरी करे तो घर चलता है, राजू का खाना लाए तो राजू का पेट चलता है। वाह 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 वाह, चल पहुंच भाई ऊपर, ठीक हो गया भाई। राजू का खाना लेके आए ढेर सा और ये लेके जा रहे हैं ये वाला, ये मैं लेके आ रहा हूँ, ये मैं लेके आ रहा हूँ। तो भाई सीन ये है कि मेरा भाई जो है ना बड़ा अच्छा है। क्या क्या उठा लाया अली? राजू के लिए हर चीज ले आए, राजू के लिए क्या, मुर्गियों के लिए भी लेके आया, टर्टल्स के लिए भी लेके आया तू। तो भैया फिर दे भी देते हैं, बस दिखाना थोड़ी है। वो राजू को तो देख है भाई, वो देखो राजू उधर दिल्ली में गालियां दे रहा हूँ। ओ भाई इतने कर रहे हो, खड़े हो गए, इधर आओ मुझे डाइट दो भाई। ये जो है ना हम लोग अपनी मुर्गियों के लिए लेके आए, अली सजा तो जाके तू ऐसे ले गया जैसे किसी इंसान को देना है भाई। इसके नीचे पत्ते भी है, रोटियां भी हैं और कुछ डाइट वगैरह। ओए अली ये तो तूने पूरी दुकान लगा लिया। राजू की ट्रे लेके आते हैं, उसको दे देते हैं, बड़े मजे मजे की डाइट सारी सामने सामने आ गई। हाँ सॉरी, ये देखो ऊपर ऊपर आई। चलो मैं लेके आता हूँ भाई ट्रे, उसके अंदर डाइट डालते हैं भाई। ये सारी डाइट अली ने डाल दिया, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डाली है भाई। ये तूड़ी है, छिलका है, पता नहीं और क्या क्या है, इसको सारी को करते हैं मिक्स भाई। इसमें से ना मैंने थोड़ी सी हनी बनी और डक्स को डाल दिया, वो
भाई ये उठा लेते हैं, इसमें ना मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, इसको रख देते हैं इधर। ओए राजू, राजू अली मेरी बात ही नहीं सुन रहा। भाई राजू को तो जैसे डाइट मिली है ना अली, भूल ही गया पहले कर रहा वो वाली थोड़ी सी साफ है अली। हाँ भाई राजू सा मेरी पट रही है, तीन दिन बाद खा रहा है ना, भूल गया भाई। आपकी वो हनी बनी ने मोर्चा के निकाला, देखा अली वो इनका ये पुल बना हुआ है, डक्स ने तोड़ दिया ये वाली, डक्स ने क्या किया है डक्स का, फेंडी लगा दे डक्स की। यार ये मुर्गी काली निकालनी थी थोड़ी देर में भाई, इसको निकाल देते हैं भाई। और मैं एक काम करता हूँ कि भाई सारी मुर्गियों को डाइट दे देते हैं भाई। ये आज की है डाइट मुर्गियों की, और मुर्गियां पता नहीं किधर चली गई हैं। ओए इधर गई भी मुर्गियां भाई। ये हमारे ना मोर की डाइट है, इसमें रोटी है और पत्ती भाई। मोर के ऊपर तो पर ही कोई नहीं रह गया, देख तो सही भाई। इसके जितने भी वो पर थे ना, जितने भी सारे उतर गए अली, एक एक भी नहीं रहा। नहीं थोड़े से तो वैसे रह गए। नहीं नहीं वो पता है कौन से हैं, वो नए निकल रहे हैं। हाँ जी ये नए पर आ रहे हैं, अच्छी बात है यार। पता है क्या, पुराने जितने भी थे सारे उतर गए। वो तो ये छोटा सा गया, छोटा सा तो ये इसका बॉक्स जो है ना, जिसके ऊपर खड़ा रहता है, ये निकाल देते हैं भाई, क्योंकि इसकी वजह से मोर एक जगह पे खड़ा रहता है। मुर्गी इसके अंदर आके बैठी रहती है, मुर्गी से भी लेदर रहती है, और खरगोश देख अंदर। ये तो सही, सारा काम खराब हो रहा है। ये हमारा काम खराब कर रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। और भाई मैं ना अपना मोर भी बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि बेचारे का कुछ रह नहीं गया भाई। जब नया नया आया था ना, इतने घने बाल थे इसके, इतने प्यारे प्यारे पर थे। ओए होए होए भाई, एक पिक्चर लगाएंगे उसके बाद अभी आपको दिखाता हूँ भाई। अली जो है ना, इसको ऐसे ही धिक्का लगा के निकालने की कोशिश कर रहा है। अली ये टूट के निकलना है, ऐसे नहीं निकलेगा। अच्छा भाई उधर से तो अली इधर तक ले आया। ओए बर्ड कलोनी बड़ी बड़ी लग रही है ऐसे भाई। ये ना इधर से निकलने में मुश्किल कर रहा था, तो फाइनली ये सोचा कि भाई इसे हम लोग ना अभी तोड़ देते हैं भाई। तोड़ के ना टूटे टूटे करके बाहर निकलेगा, क्योंकि ये वाला दरवाजा बहुत छोटा है। ओए टूट भी गया वो तेरी। ओए ओ भाई साहब ये तो बुक की तरह खुला ली। ओ भाई सारा पीसेस पीसेस हो गया। सो भाई इधर हमारा टेबल पड़ा था जो कि अब बाइट पड़ा है, टुकड़े टुकड़े हो गए भाई। ये मोर एक दफा देख लो अली, इस जगह पे करके ना हम वो वाली पिक्चर लगाएंगे जब हमारे पास नया नया आया था तो किस तरह का था। ओए अली ये तो मुर्गा मुर्गी जितना है भाई, देखो तो सही, लाइक थोड़ा सा ही कहीं पे पड़ा होगा मुर्गे से, देखो बिल्कुल छोटा सा हो गया। बट ये कि ये इसका किसी बीमारी की वजह से शुक्र है नहीं उतरे, हम तो पहले परेशान थे बट मौसम इस तरह का तो इसलिए इसके पड़ उतर गए। खैर दोबारा आ जाएंगे। सो भाई कल जब हम गुजरात जाते थे, रास्ते में ना एक दुकान थी, उधर छोटे छोटे पड़े हुए थे गिने पिग्स। ओए बदमाशो तुम लोग उधर कर क्या रहे थे? नहीं भाई भाई ये लोग ना अच्छे खासे पड़े हैं, मुझे तो अब आइडिया हो। ओए भाई राजा भाई मोटू भाई ये बहुत ज्यादा हेल्दी और बड़े हैं भाई, मैंने देखे बिल्कुल छोटे छोटे बेबी थे भाई, जितने इनके सही है ना ये तो मुझे लगता है बूढ़े हो चुके हैं अब तक हैं भाई। मैं तो कहता हूँ जब ये छोटे छोटे बच्चे देंगे ना बड़े क्यूट होंगे, वो इनसे ज्यादा क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे थे इसलिए। भाई इसको करते हैं बंद, और इनके लिए ना हम लोग एप्पल लेके आए हुए भाई। इतने ज्यादा एप्पल है एक ही मैंने छोटे से पीस कर दिए भाई। ये लो भाई, इनको ना एप्पल कुछ ज्यादा पसंद है, छली दी थी मैंने दोपहर को, एप्पल अभी दे देते हैं। वैसे तो भाई इनका पेट फुल ही है, बट ये है कि भाई खुला खाना खाया करो। खा लो खा लो खा लो भाई, ये देखो ये खा रहा है, ये भी आएगा अभी, इसको हम खुद ही पकड़ा देते हैं हाथों में, खा लेते हैं हमारे। वे छुप के खाने का ये शौक है। राजू किधर चला गया भाई? राजू मारा इधर होता था, गया किधर? राजू बदमाश बाहर आ रहा। ओए एक तो तू अंदर गया, ऊपर से तूने दरवाजा बंद कर लिया, पट रही है ये, खुल कैसे गया मुझे ये बता, खुला किधर से राजू तू? भाई इसकी ना टांग हम लोगों ने बांधी होती है वो रस्सी के साथ। तो भाई अभी जो हम अपनी क्लोनी के अंदर आए हैं, और भाई दोनों मियां बीवी अंदर जाके बैठे हुए हो, और भाई इनके पास ना दो बच्चे बड़े हैं और दो छोटे, मुझे लगता है दो अंडे पहले निकले थे दो बाद में। भाई इसके पास भी जो है दो, तीन हो गए। वाह भाई वाह, इसमें ना सिर्फ दो अंडे थे अब तीन हो गए। भाई इसके अंदर एक अंडा पड़ा हुआ था पिछले दिनों, अब पता नहीं किधर गया भाई, पड़ा हुआ था चला पता नहीं किधर गया। अरे भाई आप अकेले बैठे हुए, आपको कोई नहीं अपने साथ बिठाता है? भाई इनकी चू चू सुनने का ना एक अपना ही मजा आता है, चू 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 चू। भाई अभी ये ना बड़े चुप कर गए, एक तो मैं इनकी कॉलोनी के अंदर है, ऊपर से शाम का टाइम है, सुबह सुबह पूरा मल्ला इनकी चू चू सुनता है, चुप 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 चुप। इनकी गप्पा ही नहीं खत्म होती यार, पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं।
समझ से बाहर है। जी कोको साहब, आपको घर वालों ने बर्ड निकाल दिया, मेरी चुन्नी नुन्नी कोको बाहर बैठी हुई है। भाई इसको पता है कि बर्ड निकाल है? वैसे बर्ड खुद अपनी मर्जी से आई है। भाई कोको के काम गलत है भाई, जब कोको बाहर होती है ना तो कोको दरवाजा पता है कैसे खटकाती है भाई, अपने नाखून मारेगी इधर और ये देखो दरवाजे का हल्का कर दिया, ऊपर से दरवाजा बिल्कुल ठीक आ रहा है, नीचे देखो जिधर तक कोको की हाइट है। ये कोको ने क्या किया, पुटियां लगा दें कोको की, जग्गू के साथ फंटियां कर दें। तो भाई इधर जब अपना व्लॉग देखते हैं, व्लॉग अच्छा लगा लाइक कर दो, करते तो नहीं हैं कोको, ये लोग करते तो है नहीं, क्या करें, क्या किया जाए कोको। यार भी हम लोग तो व्लॉग बनाते रहेंगे भाई, अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो और अपना डिस्क्रिप्शन क्या रखो। अल्लाह हाफिज़।